મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હર અમે સત્યની સાથે दिल्ली के व्यापारी हुए जागरूक कोरोना के नियम को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होता दिख मार्केटों में दिल्ली पुलिस ने व्यापारियों के साथ मिलकर लोगों को किया जागरूक। हाईकोर्ट ने लगाई फटकार कि दिल्ली में अनलॉक किया गया है पर कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन नहीं किया जा रहा है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहा है और लोगों इसी तरह लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है। इसलिए बाजारों में जिन अधिकारियों को होना चाहिए था वो कहाँ है और अधिकारियों को बाजारों में सख्ती बरतने के लिए कहा जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब बाजारों में सख्ती बरती जाना शुरू हो चुकी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस थाना सदर बाजार पुलिस और सदर बाजार मार्केट के लोगों ने सदर बाजार मार्केट में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक करने और जागरूक रहने के लिए कहा। और जो दुकानदार या ग्राहक मास्क नहीं लगा रहे उसे सामान ना ले और ना ही सामान दे और मार्केट के लोगों को थाना समंदर बाजार SHO के साथ मिलकर मार्केट के व्यापारी और मार्केट में आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपील की गई। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली तमाम मार्केटों के कोरोना गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा या जनता इसी तरह से लापरवाही करेगी। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद दिल्ली से। सर, आज आप लोगों ने मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर राउंड लगाया है मगर हाईकोर्ट की फटकार जब लगी अधिकारियों को उसके बाद में क्या आप लोगों और नियमों का कितना पालन कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर? देखिए, जब दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली सरकार ने DDMA ने मार्केट ओपन करने का ऐलान किया जब ऑड इवन की मार्केट थी तो मैं बता सकता हूँ कि आकृति सागर जी थे, डीसी गोयल साहब थे, अमिताभ जी थे, हमारी फेडरेशन की टीम ने मिली और उनको बताया कि हमारा सिस्टम क्या है जिसमें पलंकी सिंह पम्बा जी के नेतृत्व में मंगा जी पवन खंडेलवाल जी सारे 24 आदमी की टीम है जो एक बिना पुलिस की वर्दी की तरह लोग तैनात रहते हैं। हमारा लॉकडाउन के अंदर आप अगर डीसी साहिबा से पता करेंगे, DM साहिबा से पता करेंगे, सदर बिहार को नंबर एक मिला हुआ है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में। ये मार्केट कॉम्पैक्ट है, डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन अभी हमारे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमने अपने दुकानदारों को पूरी तरह कहा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग जब दुकान खोलें तो आपकी सैनिटाइज होनी चाहिए, आपकी दुकान पर एक सैनिटाइज की बोतल अच्छी होनी चाहिए, मास्क अच्छे होने चाहिए जो आप अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करें। और दूसरा फैक्ट्री सदर बिहार ने अपने ग्राहकों को एक दुकानदारों को एक हिदायत दी है कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हो, जो आपकी दुकान पे आता है ग्राहक उससे आप पूछिए आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर नहीं है तो करवाइए और है तो उसको एक गिफ्ट दीजिए कि आपने कंट्री के नेशन कंट्री मैन होने के नाते सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 50 रुपये या 1% डिस्काउंट हो वो हमारा व्यापारी दे रहा है। और अगर हम देखते हैं कि मजदूर के पास मास्क नहीं है तो मास्क प्रोवाइड कराते हैं,
सैनिटाइजर देते हैं। हमारे सभी एसोसिएशन के फेडरेशन के 90 पदाधिकारी हैं जिसमें 24 सुपरविजन में लगे हुए हैं, इतने लोग कंट्रोल कर रखे हैं। अगर आप डीएम साहब से बात करें, डीसी से बात करें, तो इस टाइम सदर विहार को सोशल डिस्टेंस मेंटेन होने में नंबर 1 का अवार्ड मिला हुआ है। कोई नहीं कह सकता यहाँ पर डीसी साहब आए, डीएम साहब आए, सबने एक एक दुकान वेरीफाई की और जो हम कह रहे हैं हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। रोज हम लोग आज तो आप चूंकि आपको लगा हाईकोर्ट की फटकार है, हाईकोर्ट की फटकार बाकी मार्केटों में है, हमारी मार्केट का सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। और हम लोग एसएचओ साहब हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, रेगुलर मार्च पास करते हैं सोशल में और माइक सिस्टम से रेगुलर अनाउंसमेंट होती है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात जरूर है, जान है तो जहान है, लेकिन इसके साथ रोजी रोटी भी बहुत ज़रूरी है। खाली पेट से भी कुछ नहीं होता, हमें अपने मजदूरों को तनख्वाहें देनी है, हमें अपने बच्चों की फीस जमा करानी है, हमें अपने बिजली के बिल जमा कराने। कोई सरकार व्यापारियों को इकोनॉमिकल सपोर्ट तो दे नहीं रही, उसे बचने के लिए हमने जान है तो जहान को बताते हुए ये स्कीम लागू है पूरी तरीके से। पम्मा जी लगे हुए हैं, मंगा जी लगे हैं, पवन खंडेलवाल जी, मैं कहता हूँ पूरे पदाधिकारी, और इसमें हमें 40,000 दुकानदारों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।